नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। इट इज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। प्रायद्वीपीय पठार की चट्टाने क्रिस्टलाइन चट्टाने हैं, मुख्यतः यह इग्नियस व मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू गोंडवाना लैंड का भाग था। इसकी जो मूलभूत चट्टाने हैं वह प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने हैं, इसीलिए इसको ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इट इज स्टेबल, स्थिर लैंडमास है जो कि काफी लंबे समय से समुद्र तल से ऊपर रहा है। इसके कुछ हिस्से, तटीय हिस्से कुछ काल के लिए जलमग्न रहे, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का मुख्य भाग हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा, इसलिए इसको स्टेबल लैंडमास बोलते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू हैज विटनेस्ड मल्टीपल फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट। कई बार इसकी चट्टानों में उत्थान हुआ और कालांतर में समय के साथ नदियों ने इसको अपर्तित कर पठारी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के इतिहास में कुछ ऐसे युग हुए जब प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भाग समुद्र तल से नीचे चले गए, सबमर्ज हो गए, जलमग्न हो गए। इसका विस्तार उत्तर में दिल्ली रिज और राजमहल हिल्स से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। दिल्ली रिज अरावली रेंज का हिस्सा है जो कि दिल्ली से हरिद्वार क्षेत्र में फैला हुआ है। राजमहल हिल्स झारखंड में स्थित है। तो दिल्ली रिज और राजमहल हिल्स यह प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर भाग बनाते हैं। वहीं कन्याकुमारी दक्षिण भाग में स्थित है। अरावली, मैकाल, राजमहल, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, ये सारी की सारी पहाड़ियां, पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीपीय पठार में स्थित हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी, अनाईमुडी पश्चिमी घाट में स्थित है, अन्नामलाई क्षेत्र में। प्रायद्वीपीय पठार को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। प्रायद्वीपीय पठार के नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली नाम की पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली हिल रेंज एक प्राचीन हिल रेंज है जिसका उत्थान प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, लगभग 90 करोड़ वर्ष पूर्व। गुरु शिखर जो कि माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसके सब कुछ इसमें गैप दर्रे हैं जिनसे आवागमन होता है। गोरान घाट और हल्दी घाटी के दर्रे कुछ मुख्य दर्रे हैं अरावली रेंज में। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका कुछ भाग दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी स्थित है। मालवा का पठार बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ काली मृदा पाई जाती है। मालवा का पठार दो नदी तंत्रों द्वारा अपवाहित होता है। इट इज ड्रेन्ड बाय टू रिवर सिस्टम्स। वन इज अरेबियन सी रिवर सिस्टम, नर्मदा और माही नदियां इसी नदी तंत्र का भाग है, और दूसरा बे ऑफ बंगाल नदी तंत्र, चंबल, सिंध, वेतवा, केन, यमुना रिवर, यह नदियां बंगाल की खाड़ी तंत्र का हिस्सा है। विंध्या रेंज एक कगार या एस्कार्पमेंट है जिसका निर्माण भ्रंशन या फॉल्टिंग से हुआ है। विंध्या रेंज का विस्तार पश्चिम में गुजरात के जोबट क्षेत्र से लेकर पूर्व में बिहार में ससारम तक है। मीन्स इट इज ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेड रेंज। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। पूर्व में इसे मैकाल और कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। मैकाल रेंज पूर्वी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं कैमूर की पहाड़ियां बिहार में स्थित है। यह विंध्या रेंज के पूर्वी भाग को प्रदर्शित करती है। दे रिप्रेजेंट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या रेंज। मालवा प्लेट्यू के उत्तर में एक पठार है जिसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से मिलकर बना है। ग्रेनाइट एक इग्नियस चट्टान है, वहीं नीस मेटामॉर्फिक चट्टान है। पूर्व में छोटा नागपुर स्थित है। छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को प्रदर्शित करता है। इसका विस्तार झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेघालय प्लेट्यू बाय मालदा गैप। मालदा गैप पश्चिम बंगाल में स्थित है जो कि छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार के मध्य स्थित है। इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं।
नॉर्थ डेक्कन जिसको डेक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार कहते हैं, इसका विस्तार महाराष्ट्र क्षेत्र में है, इसका कुछ भाग उत्तरी कर्नाटक में भी पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप या महाराष्ट्र का पठार बेसाल्टिक चट्टानों से मिलकर बना है, इसीलिए यहां काली मृदा पाई जाती है। इसके अलावा सह्याद्री की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, इनका विस्तार उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तमिलनाडु क्षेत्र तक है, इन्हें पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। महानदी बेसिन जिसे छत्तीसगढ़ प्लेन के नाम से जाना जाता है, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसका निर्माण महानदी द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से हुआ है। इट वॉज क्रिएटेड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाई महानदी रिवर। ओडिशा में गर्जात हिल्स स्थित है, वहीं दंडकारण्य नाम का पठार जिसे बस्तर का पठार भी कहते हैं दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में स्थित है। डेक्कन पठार के दक्षिणी भाग को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना पठार व तमिलनाडु अपलैंड। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में स्थित है, तेलंगाना का पठार तेलंगाना स्टेट में स्थित है, तमिलनाडु अपलैंड जैसे कि नाम से प्रदर्शित है तमिलनाडु के उत्तरी भाग में स्थित है। यह तीनों पठार ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से मिलकर बने हैं, जैसे कि बुंदेलखंड बना है। कर्नाटक प्लेट्यू की जो सर्वोच्च चोटी है, हाईएस्ट पीक है, उसे मूलानगिरी कहते हैं, यह पश्चिमी घाट में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया था वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट एक पर्वतीय श्रृंखला है जो कि डेक्कन के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में केरल तक है। इट इज अ ब्लॉक माउंटेन जिसका निर्माण फॉल्टिंग से हुआ है, सो इट वॉज क्रिएटेड ड्यू टू फॉल्टिंग। और ऐसी माउंटेन जिसका निर्माण फॉल्टिंग से हुआ है उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। इसका पश्चिमी ढाल जो कि पश्चिमी तटीय मैदान की तरफ है एक खड़ी दीवार के समान है, इसीलिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पश्चिमी घाट से उतरते समय वाटरफॉल्स का निर्माण करती हैं, जलप्रपात बनाती हैं, और इन वाटरफॉल से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। उदाहरण के लिए गरसोप्पा फॉल जो कि सरवती नदी पे है, दूध सागर फॉल जो कि मांडवी नदी पे है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो कि कर्नाटक तमिलनाडु और केरल में स्थित है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मध्य जंक्शन बनाते हैं, मतलब इसी क्षेत्र में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में एक दर्रा है जिसे पालघट गैप कहते हैं। यह पालघट गैप कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अनाई मुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट जो कि अन्नामलाई रेंज में स्थित है, और वहीं नीलगिरी की पहाड़ियों में जो सब सर्वोच्च पीक है उसका नाम है डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स की सर्वोच्च पीक है। पश्चिमी घाट में कई दर्रे या गैप हैं जिनको भोरघट गैप, थालघट गैप या पालघट गैप के नाम से जाना जाता है। भोरघट गैप मुंबई और पुणे के बीच में है, मुंबई पुणे हाईवे इसी गैप से होकर निकलता है। मुंबई और नासिक के मध्य थालघट गैप है, और वहीं पालघट गैप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कोच्चि और कोयम्बटूर के बीच में है। प्रायद्वीपी पठार के पूर्वी किनारे पर एक और पहाड़ी पर्वत श्रृंखला स्थित है जिसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ईस्टर्न घाट्स अरावली पर्वत श्रेणी के समान है, लाइक अरावली रेंज दे आर ओल्ड माउंटेन्स विच वर अपलिफ्टेड इन प्री कैम्ब्रियन एरा। इनकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन एरा में हुई थी लगभग 80-90 करोड़ वर्ष पूर्व, और आज यह टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में स्थित है। दे हैव बीन डिसेक्टेड बाय द रिवर्स, दे हैव बीन कट डाउन बाय द रिवर्स, तो इसीलिए इनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये कई छोटी छोटी हिल रेंजेस में विभाजित है। इसका विस्तार उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। ईस्टर्न घाट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी भाग। ईस्टर्न घाट का उत्तरी भाग महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है, यह भाग दक्षिणी भाग की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है, मींस एल्टीट्यूड इन नॉर्दर्न पार्ट इज हायर देन सदर्न पार्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज अर्माकोंडा, अर्माकोंडा इज हाईएस्ट पीक विच इज सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, सबसे ऊंची चोटी है, और ईस्टर्न घाट भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बने हुए हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन की। हमारे देश का उत्तरी मैदान एग्रेडेशनल प्लेन उस मैदान को कहते हैं जिसका निर्माण नदियों द्वारा सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने से होता है। पहले इस क्षेत्र में एक
गर्त स्थित था, उसी गर्त में नदियों ने सेडिमेंट्स डिपॉजिट किए और जिससे एक विस्तृत मैदान बन गया, जलोढ़ मैदान बन गया, जिसे कि हम उत्तरी भारत का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब राजस्थान से लेकर पूर्व में असम तक है। पश्चिमी भाग में यह अधिक विस्तृत है, वहीं असम क्षेत्र में यह एक संकीर्ण नैरो प्लेन है। पश्चिमी भाग एक शुष्क क्षेत्र है जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, वहीं पूर्वी भाग जिसे कि असम का मैदान कहते हैं वहां वर्षा रेनफॉल अपेक्षाकृत अधिक है। डेली रिज जो कि अरावली रेंज का हिस्सा है इस मैदान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्व में गंगा का मैदान व असम मैदान और पश्चिम में सतलुज का मैदान। उत्तर भारत के मैदान को कुछ भूआकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भाबर प्लेन। भाबर प्लेन शिवालिक की पहाड़ियों के समीप स्थित है। इस मैदान का निर्माण नदी द्वारा बड़े बड़े पत्थरों के डिपोजिशन से हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में बाउल्डर्स या बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। इस मैदान की पोरोसिटी, चूंकि बड़े पत्थर है इसलिए पोरोसिटी ज्यादा है और पानी इन पत्थरों से होकर प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, इसीलिए जो नदियां हैं या स्ट्रीम्स हैं वो सतह पर सामान्यता नहीं दिखाई देती हैं, केवल मानसून के समय पानी सतह पर दिखाई देता है। भाबर मैदान के दक्षिण में तराई मैदान स्थित है। वह नदियां जो भाबर क्षेत्र में सतह से नीचे प्रवाहित होती हैं वह तराई क्षेत्र में सरफेस या सतह पर प्रकट हो जाती हैं और इसी कारण यह एक मार्शी या जलमग्न टाइप का मैदान है। यहां मृदा जल से संतृप्त रहती है। इस क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी अपेक्षाकृत ज्यादा है, यहां गन्ने और गेहूं व चावल की खेती की जाती है। बांगर प्लेन एक पुराना या प्राचीन जलोढ़ मैदान है। इस क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े पाए जाते जिन्हें कंकड़ बोलते हैं। यह जैसे कि मैंने बताया प्राचीन जलोढ़ से मिलकर बना है। खादर जलोढ़ मैदान का वह हिस्सा है जो नवीन अवसादों या नवीन जलोढ़ अवसादों से मिलकर बना है। बाढ़ के कारण इस क्षेत्र में उपजाऊकता बनी रहती है। और आखिरी डेल्टा क्षेत्र, नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से अवसाद लेकर आती हैं, सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और अपने मुहाने पर जहां पे वह समुद्र से मिलती हैं इन अवसादों को जमा कर देती हैं। दे डिपॉजिट दीज सेडिमेंट्स और अवसादों के निक्षेपण के कारण नदी के मुहाने पर एक मैदान बन जाता है जिसे कि डेल्टा कहते हैं। डेल्टा को खादर मैदान का एक्सटेंशन मान सकते हैं। उत्तर भारत के मैदान को कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तर भारत के मैदान के पश्चिमी भाग को राजस्थान मैदान के नाम से जाना जाता है। यह एक शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान मैदान जो कि अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मरुस्थली, मरुस्थली वह क्षेत्र है जहां सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। यह राजस्थान प्लेन के पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी भाग को प्रदर्शित करता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम रहता है, इसीलिए यहां विंड इरोजन और डिपोजिशन होता है। राजस्थान मैदान के पूर्वी भाग को राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में लूनी रिवर प्रवाहित होती है। राजस्थान के मैदान में शुष्कता अधिक होने के कारण वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है, वाटर इज इवेपोरेटेड, वाष्पीकरण हो जाता है, इसीलिए यहां पे कई लवणीय झीलें बन गई, सॉल्ट वाटर लेक्स बन गई। फॉर एग्जाम्पल सांभर, डिगाना, कचामन, पचपद्र, डिडवाना एंड लुमकरासर, सो दीज आर द मेजर सलाइन लेक्स इन राजस्थान। एज आई टोल्ड यू लूनी रिवर फ्लोज इन द राजस्थान बांगर एरिया विच इज पार्ट ऑफ राजस्थान प्लेन। इट इज लॉस्ट इन रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कच्छ का वह भाग है जो लवड़ी है, जहां नमक पाया जाता है। पंजाब हरियाणा प्लेन, भारत में स्थित पंजाब का प्लेन तीन नदियों द्वारा अपवाहित है, सतलुज, ब्यास एंड रावी। यह तीन नदियां भारत में स्थित पंजाब प्लेन को अपवाहित करती हैं। इस क्षेत्र का स्लोप दो दिशाओं में है, एक तो इंडस नदी की तरफ मतलब पश्चिम की ओर और दूसरा रन ऑफ कच्छ की तरफ। पंजाब प्लेन को कई दोआब में बांट सकते। दोआब का मतलब होता है
दो नदियों के बीच का क्षेत्र, द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब, बारी दोआब इज बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर्स, बिस्ट दोआब इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर, दीज आर द दोआब्स। सतलुज नदी के दक्षिण में स्थित पंजाब प्लेन को हम मालवा प्लेन कहते हैं। यह पंजाब प्लेन का वह भाग है जो सतलुज नदी के दक्षिण में स्थित है। यह अपेक्षाकृत शुष्क क्षेत्र है और कपास की खेती के लिए जाना जाता है। हरियाणा क्षेत्र, इसको भिवानी बांगर भी कहते हैं, यह पंजाब प्लेन के दक्षिण में स्थित है। घग्गर नदी इस नद क्षेत्र की मुख्य नदी है। इस नदी में बाढ़ आने के कारण हरियाणा प्लेन की या हरियाणा मैदान की उपजाऊता, फर्टिलिटी बनी रहती है। गंगा के मैदान का विस्तार पश्चिम में यमुना रिवर से लेकर पूर्व में हुगली नदी बेसिन तक है, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। बांग्लादेश का मैदान गंगा प्लेन का एक्सटेंशन माना जा सकता है। गंगा प्लेन को तीन भाग में विभाजित कर सकते हैं, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन कई दुआब से मिलकर बना है, गंगा यमुना दुआब, जो कि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र है। रुहेलखंड प्लेन जो कि राम गंगा वाला क्षेत्र है, और अवध प्लेन जो कि गोमती घाघरा नदी क्षेत्र है। मिडिल गंगा प्लेन ईस्टर्न यूपी और बिहार में फैला हुआ है। यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इट्स हाईली वल्नरेबल टू फ्लड्स। और वहीं लोअर गंगा प्लेन पश्चिम बंगाल में मुख्यतः फैला हुआ है। इसका ज्यादातर हिस्सा डेल्टा क्षेत्र है, जो कि चावल की खेती के लिए जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र प्लेन का विस्तार पूर्व में सदिया से लेकर पश्चिम में धुबरी तक है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों या सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ है। यह एक उपजाऊ मैदान है, चांसेस ऑफ फ्लड्स आर वेरी हाई, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और इसमें कई नदी द्वीप, रिवर आइलैंड्स पाए जाते हैं। माजुली आइलैंड, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तटीय मैदान व द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण भूभाग हैं हमारे देश के। तटीय मैदान को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान व पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार उत्तर में गुजरात से लेकर, इसका विस्तार कुछ इस तरह से है, कच्छ गुजरात, कथियावार गुजरात प्लेन, कोंकण प्लेन जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है, कर्नाटक प्लेन बोलते हैं इसे, और दक्षिणतम भाग में इसे मालाबार प्लेन बोलते हैं, जो कि केरल में स्थित है। कच्छ एक शुष्क क्षेत्र है जिसके उत्तरी भाग को रन ऑफ कच्छ बोलते हैं। कथियावार क्षेत्र काली मिट्टी का क्षेत्र है जहां कपास की खेती होती है। गुजरात का मैदान एक जलोढ़ मैदान है जिसका निर्माण साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी व तापी नदियों द्वारा किया गया है। कोंकण का मैदान पश्चिमी महाराष्ट्र में है, वहीं कर्नाटक का मैदान पश्चिमी कर्नाटक में है। कोंकण व कर्नाटक के मैदान संकरे मैदान है, दे आर नैरो प्लेन्स, और इन एरियाज में कोंकण और कनारा प्लेन में, कर्नाटक प्लेन में अपरदनकारी शक्तियां ज्यादा मजबूत हैं, द इरोजनल प्रोसेसेस आर मोर डोमिनेंट, इसलिए यहां पर जो तटरेखा है वो कटी फटी है। मालाबार प्लेन जो कि केरल में स्थित है, यहां बैकवाटर्स पाए जाते हैं। बैकवाटर्स खारे पानी की झीलों को बोलते हैं। वेम्बनाडु झील और अष्टमुडी झील, यह दो मुख्य बैकवाटर्स हैं इस क्षेत्र में, केरल में। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़ा है, इसका निर्माण पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा अवसादों या सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इस क्षेत्र में डेल्टा लगून लेक्स पाए जाते हैं। चिलिका झील जो कि ओडिशा में है, और पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, यह मुख्य लगून झीलें हैं। चिलिका ओडिशा में स्थित है और पुलिकट आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है, दोनों लगून लेक्स हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में एक मीठे पानी की झील है जिसे कोल्लेरू झील कहते हैं। कोल्लेरू झील डेल्टा झील है, यह लगून झील नहीं है।
लगून झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं, वहीं डेल्टा झील मीठे पानी की झील होती है। कोलेरू झील चूंकि डेल्टा झील है इसलिए मीठे पानी की झील है, वहीं चिलिका व पुलिकट लेक खारे पानी की झील है क्योंकि यह लगून झीलें हैं। अब हम बात करेंगे एस्चुरीज एंड डेल्टास। डेल्टा और एस्चुरी दोनों ही नदी के मुख को प्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यह तटीय रेखा है, यह एक नदी है, यह महासागर है या भूक्षेत्र है। नदी का पानी सागर की ओर प्रवाहित हो रहा है। अगर नदी में अवसादों की मात्रा अधिक है तो यह अपने मुख के समीप इन अवसादों को जमा कर देगी और इस प्रकार एक मैदानी क्षेत्र बन जाता है जिसे डेल्टा का नाम देते हैं। लेकिन वहीं अगर इस नदी में अवसादों की कमी है या समुद्री लहरें काफी तीव्र हैं, इन दोनों दशाओं में इन बोथ दीज कंडीशंस डेल्टा नहीं बनेगा और नदी का जल सीधा सागर में मिलेगा। इस प्रकार की संरचना को एस्चुरी बोलते हैं या ज्वार नदमुख का नाम देते हैं। डेल्टा तब बनता है जब नदी में अवसादों की मात्रा अधिक होती है और महासागरीय लहरें अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं। वहीं एस्चुरी का निर्माण तब होता है जब नदी में अवसादों की कमी होती है और महासागरीय धाराएं लहरें अपेक्षाकृत तीव्र होती हैं। अब बात करते हैं द्वीप समूहों के बारे में। हमारे देश में कुल 247 द्वीप हैं, उसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीपों को अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के नाम से जाना जाता है। वहीं अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीपों को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उनका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। मतलब यह हिमालय या पूर्वांचल की पहाड़ियों का एक्सटेंशन है। वहीं लक्षद्वीप का निर्माण समुद्री जीवों जिन्हें कोरल कहते हैं उनके द्वारा किया गया। इन्हें कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप ग्रुप लगभग 36 द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें 25% द्वीप इनहैबिटेड है, लोग रहते हैं यहां पे। लक्षद्वीप के सदर्न मोस्ट द्वीप को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं जो कि बाकी के द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। लक्षद्वीप 3 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग को अमन दीवी ग्रुप कहते हैं, मध्य भाग को लक्का दीवी ग्रुप कहते हैं और दक्षिणतम द्वीप को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से लक्षद्वीप फैले हुए हैं। मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में मालदीव स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय को विभाजित करने वाली के बीच से गुजरने वाली रेखा को 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ इस प्रकार विस्तृत है। एक आर्क के रूप में स्थित है। उत्तरी ग्रुप को अंडमान ग्रुप बोलते हैं और वहीं दक्षिणी ग्रुप को निकोबार ग्रुप के रूप में जाना जाता है। अंडमान और निकोबार ग्रुप द्वीपों के मध्य से गुजरने वाली रेखा को 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। अंडमान द्वीप में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान द्वीप समूह शामिल है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में एक ज्वालामुखी द्वीप है, वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनो है जिसे नारकोंडम वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। वही मध्य अंडमान के पूर्व में एक और वॉल्केनो है जिसे बैरन आइलैंड के नाम से जानते हैं। बैरन आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। वहीं नारकोंडम वॉल्केनो एक डॉर्मेंट और सुसुप्त वॉल्केनो का एग्जाम्पल है। दोनों ही वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं। तो इस प्रकार अंडमान निकोबार आइलैंड्स विस्तृत हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड में कई सारे जनजातियां ट्राइबल्स पाए जाते हैं जैसे कि जरावा ट्राइब, ओंग्स ट्राइब, सेंटिनेल ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब, इस प्रकार की कुछ मुख्य जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूहों के अलावा कुछ और भी द्वीप भारत में पाए जाते हैं जैसे पिनांग
पीरम आइलैंड, पीरम द्वीप जो कि गुजरात क्षेत्र में स्थित है, दीव, अलियाबेट, यह तीनों गुजरात क्षेत्र में स्थित है। वहीं एलिफेंटा मुंबई के समीप है। पंबन आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबन आइलैंड पंबन द्वीप के मध्य उत्तर भाग में पाल्क बे है, वहीं दक्षिण की तरफ गल्फ ऑफ मन्नार है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट लेक के समीप स्थित है। पारिकुड चिलिका झील में स्थित द्वीप है। वहीं न्यूमूर और सागर द्वीप गंगा डेल्टा के समीप स्थित द्वीप है। हमारे देश में कई सारी झीलें पाई जाती हैं। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी इसी लेक से होकर गुजरती है। लेक लोनार एक क्रेटर लेक है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कोल्लेरू जैसा कि मैंने पहले बताया एक डेल्टा लेक है जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित है, यहाँ मीठे पानी की झील है। लोकटक लेक मणिपुर में स्थित है। यह झील फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए फेमस है, तैरते हुए द्वीप समूहों के लिए फेमस है जिन्हें फुमडी के नाम से बोला जाता है। और यहाँ पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसे कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहते हैं, या लोकटक लेक में स्थित है। डल लेक जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका निर्माण झेलम नदी द्वारा किया गया। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। सॉल्ट लेक कोलकाता में है। वहीं चिलिका लेक एक और लगून लेक जो कि उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट लेक भी लगून लेक है जो कि आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है। वेम्बनाद व अष्टमुडी दोनों बैकवाटर्स हैं जो केरला में स्थित हैं। भीमताल नैनीताल के समीप उत्तराखंड में स्थित है। सांभर लेक जैसा मैंने बताया लवड़ीय लेक है जो राजस्थान में है। सुखना चंडीगढ़ में। परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश। पोंगांग सो एंड सो मोरी दोनों जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में है, यह लवड़ीय या खारे पानी की झीलें हैं। नक्की लेक राजस्थान। पुष्कर लेक उदयपुर राजस्थान। अपर एंड लोअर लेक भोपाल में। और वहीं निजाम सागर लेक आंध्र प्रदेश में स्थित है। थैंक यू।